चौरी चौरा शताब्दी समारोह एवं आजादी का अमृत महोत्सव के तहत गुरुवार को राजकीय बौद्ध संग्रहालय में स्थानीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के मध्य स्वतंत्रता आंदोलन विषयक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 9 स्थानीय विद्यालयों के कुल 92 बच्चों ने प्रतिभागिता की। सभी प्रतिभागियों ने अपने हुनर का परिचय देते हुए निर्धारित विषय पर सुंदर चित्र बनाए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि चंद्रकांती रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी शर्मा द्वारा चित्रों का चयन किया गया तथा प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किया गया। विजेता प्रतिभागियों को संग्रहालय की ओर से स्मृति चिन्ह एवं मुख्य अतिथि द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रतिभागी रुक्मणी निषाद व मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर रेखा रानी एवं बौद्ध संग्रहालय के उप निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार गौतम ने कहा। जी मेरा नाम रुक्मणी निषाद है। सम्मानित किया गया चित्रकला में क्या? मैं यही कहूँगी कि इसी तरह से जैसे मैं मतलब पार्टिसिपेट की हूँ, कोई ना कोई स्थान लाई हूँ, मतलब प्रथम स्थान लाई हूँ, उसी प्रकार से हर बच्चा ये कोशिश करे कि वो कुछ ना कोई स्थान लाएगा, तो इस प्रकार इस तरह से बहुत से बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो इस कंपटीशन का उद्देश्य था बहुत ही अच्छा था। कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और हमारे टीचर लोग भी साथ हैं, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर रेखा रानी शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर CRDPG कॉलेज। ये राजकीय बौद्ध संग्रहालय द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें राजकीय बौद्ध संग्रहालय के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज सर ने हमें यहाँ निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया और बहुत ही अच्छे से प्रतिभागियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। कितने प्रतिभागी शामिल हुए थे? कितने स्कूलों के? करीब 100 के लगभग थे यहाँ प्रतिभागी। बाकी बच्चों से क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही देना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले लक्ष्य का चुनाव करें और उसके बाद वो उसी के अकॉर्डिंग काम करें, क्योंकि बिना लक्ष्य निर्धारण के सफलता नहीं मिल सकती। आज राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था स्वतंत्रता आंदोलन। बच्चों क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सभी बच्चों के अंदर बहुत प्रतिभाएं होती हैं। संग्रहालय द्वारा इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से ये प्रयास किया जाता है कि बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं हैं हम उसको निखारें, हम उनको सामने लेकर के आएँ और बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाएं। क्योंकि आज का ज़माना है प्रतिस्पर्धा का, हर व्यक्ति से, हर संस्थान से प्रतिस्पर्धा हो रही है। हम उस प्रतिस्पर्धा के लिए इन बच्चों को तैयार करते हैं। किन किन स्कूलों के बच्चे? शहर के विभिन्न स्कूल थे, जिसमें लगभग 100 के आसपास में बच्चे ने प्रतिभाग किया है, जिसमें महाराणा प्रताप कॉलेज है, AD कॉलेज है, नेशनल प्राइड है, इस तरह के जो बच्चे हैं, स्कूलों के जो बच्चे हैं इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किए हैं।